हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मजे होंगे। मेरा नाम नासिर है और आप देख रहे हैं एबीटेक ब्लॉग। तो बहुत सारे भाइयों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई हैमर वॉच पर वीडियो लेकर आओ, तो यहाँ पर मैंने हैमर पल्स 3.0 को मंगा लिया है और आज इसका फुल रिव्यू होने वाला है। बाकी इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या अच्छा है, क्या बुरा, सब कुछ आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको इस तरह का खूबसूरत सा बॉक्स मिल जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है द गेम चेंजर और इस तरह की आपको डिज़ाइन मिलने वाली है। इस सेट की बात करें या फिर इस सेट की काफ़ी सारी फीचर्स मेंशन के हुए मिल जाते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको अंदर साइड में एक और बॉक्स मिल जाता है काफ़ी खूबसूरत सा, और इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है और इस वॉच पे आपको 6 मंथ्स की वारंटी मिलने वाली है। बाकी इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल मिल जाती है जिसको आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर एक केबल मिल जाती है जिससे आप वॉच को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इस तरह से वॉच रखी हुई मिल जाती है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है। तो यही सारी चीज़ें आपको बॉक्स में मिल जाती हैं। बाकी अब आते हैं वॉच की तरफ, और सबसे पहले स्टिकर को हटा लेते हैं। और यहाँ पर बैक साइड में सेंसर पर प्लास्टिक लगी हुई, इसको हटाना ज़रूरी है, तभी आपको एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी। फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको राइट साइड में बटन मिल जाती है और बैक साइड में यहाँ पर सेंसर मिल जाता है और यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। बाकी माइक्रोफोन आपको यहीं पर मिल जाता है। इस साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको स्पीकर वेंट मिल जाता है। तो वॉच को ऑन करते हैं और फोन से पेयर करते हैं, तो यहाँ पर प्रेस करके होल्ड करना है और देख सकते हैं वॉच ऑन हो गई है। बाकी इसमें आपको डफ इट एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाता है जो कि मैंने अपने फोन में डाउनलोड कर लिया है। तो अब इसको पेयर करते हैं, और पेयर करना काफ़ी इजी है, आप लोगों को बताएं। जाना है ऐड डिवाइस पे और देख सकते हैं यहाँ पर वॉच आ गई है, बस इस पर टाइप कर देना है और आसानी से वॉच पेयर हो जाएगी। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको वॉच मिल जाती है जो कि लुकवाइज काफ़ी खूबसूरत लगती है, और मैं इसको 2 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर इसकी डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, काफ़ी खूबसूरत वॉच है और इसका जो साइज़ है वो काफ़ी परफेक्ट है। तो ये सभी रिस्ट पे सूटेबल है, चाहे थिन रिस्ट की बात करें, मीडियम साइज़ की बात करें या फिर बड़ी रिस्ट की बात करें, सभी पे अच्छी लगने वाली है। वहीं बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड मिल जाती है, चाहे साइड्स की बात करें या फिर बैक साइड की बात करें। हालांकि जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है, तो वॉच चीप फीलिंग नहीं देगी, काफ़ी अच्छी लगती है। स्ट्राइप की बात करें तो यहाँ पर 20mm का काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्ट्राइप भी आपको मिल जाता है, और इस वॉच का जो वेट है वो है ओनली 39 ग्राम्स, तो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। और अगर आप इसको देर तक पहनते हैं, रात को पहनकर सोते भी हैं, तो आपको ज़्यादा फील नहीं होगा। उसके साथ ही यहाँ पर आपको IP67 की रेटिंग मिल जाती है, तो 1 मीटर गहरे पानी तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और बारिश का महीना है तो बारिश में आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। आते हैं डिस्प्ले पे, तो यहाँ पर आपको 1.69 इंचेस की काफ़ी अच्छी क्वालिटी की TFT डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको 240x280 पिक्सल्स का रेजोल्यूशन मिल जाता है। तो डिस्प्ले शार्प है और डिस्प्ले क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी। बाकी ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पर ब्राइटनेस उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, आपको आउटडोर में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। वैसे तो अभी क्लाउडी वेदर है तो यहाँ पर डिस्प्ले विजिबल है आउटडोर में, बट अगर सनलाइट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, आपको शेड लेना पड़ेगा। तो डिस्प्ले क्वालिटी वाइज अच्छी है, बट यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो मुझे थोड़ी सी कम लगी इसमें। रही बात बेजल की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको नीचे साइड में थोड़े से ज़्यादा बेजल देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज में आपको सभी वॉचेस में मिल जाते हैं। इसका रेस्ट वर्क मुझे काफ़ी सही लगा, काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिव है, और जैसे ही फैन को ट्विस्ट करेंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगी, और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने मिस किया हो, तो यहाँ पर रेस्ट वर्क आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बाकी बात है वॉच फेस की तरफ, तो यहाँ पर आपको बिल्ट इन 5 वॉच फेसेस का सपोर्ट मिल जाता है वॉच में, और इसमें आप अपना कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हैं। और क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्प क्वालिटी आती है। एप्लीकेशन की बात करें तो वहाँ पर आपको 100+ वॉच फेसेस का सपोर्ट भी मिल जाता है, तो ढेर सारे वॉच फेस का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाता है इस वॉच में। इसमें आपको 2 तरह की मेन्यू स्टाइल भी मिल जाती है, एक है लिस्ट व्यू और दूसरी है हनीकॉम स्टाइल, तो देख सकते हैं ये काफ़ी स्मूथली वर्क करती है। अब आते हैं इस वॉच के हेल्थ फीचर्स पे, तो यहाँ पर आपको ओनली 8 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, जो कि कम है, बट बहुत सारे लोग ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड यूज़ नहीं करते हैं। मैं अपनी बताऊँ तो मैंने अभी तक 4 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड को यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पर आपको वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, उसके बाद स्किपिंग, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल और स्विमिंग का ऑप्शन दिया गया है, तो ये आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। बाकी इसके पेडोमीटर की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले मैंने 100 स्टेप्स लिए और इसने 100 काउंट किए, उसके बाद मैंने 200 स्टेप्स लिए और इसने 207 काउंट किए, तो स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। बाकी इसमें आपको IP67 की रेटिंग मिलती है, तो इसको पहनकर आप आराम से स्विमिंग कर सकते हैं, 1 मीटर गहरे पानी तक ये सर्वाइव कर जाएगी। बाकी उससे ज़्यादा डिप में लेकर जाएंगे तो वॉच खराब हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपको हार्ट रेट, SpO2, ब्लड प्रेशर, स्लीप ट्रैकिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज का फीचर मिल जाता है। हार्ट रेट की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी मुझे काफ़ी सही लगी, मैंने इसको ऑक्सीमीटर से कंपेयर किया तो देख सकते हैं रीडिंग काफ़ी हद तक मैच कर रही थी, और मैंने इसको कई बार चेक किया तो रीडिंग काफ़ी हद तक मैच कर रही थी हर बार, तो हार्ट रेट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। रही बात SpO2 की, तो यहाँ पर रिजल्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे आता है, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप SpO2 के लिए वॉच पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर की बात करें तो वो कितना एक्यूरेट होता है आप लोगों को पता है, और स्लिप ट्रैकिंग की बात करें तो यहाँ पर इसकी स्लिप की एक्यूरेसी मुझे अच्छी नहीं लगी। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको हार्ट रेट और स्टेप काउंटर की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। बाकी बेसिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको वेदर फोरकास्ट का फीचर मिल जाता है और 7 दिन का वेदर आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कैमरा कंट्रोल और म्यूजिक कंट्रोल का फीचर भी दिया गया है, बट यहाँ पर वॉल्यूम कम और ज़्यादा करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टॉप वॉच और अलार्म का फीचर मिल जाता है। वॉच से अलार्म को ऑन ऑफ कर सकते हैं बट कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं, आपको एप्लीकेशन में जाना पड़ेगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको काउंटडाउन और फ्लैश लाइट का फीचर भी मिल जाता है। तो देखा जाए तो आपको बहुत सारे फीचर्स तो नहीं मिलते हैं, बट जितने भी मिलते हैं अच्छे से वर्क करते हैं। अब इस वॉच में आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन और स्पीकर मिल जाता है, और ये एक ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है, तो यहाँ पर आप कॉल से बात कर सकते हैं और स्पीकर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बाकी जब कॉल आता है तो आप कॉल को कट कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको कॉल स्विच का फीचर नहीं मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको डायल पैड मिल जाता है और आप अपने 8 फेवरेट कॉन्टैक्ट्स को इसमें ऐड भी कर सकते हैं। तो कॉल क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी इसकी और स्पीकर काफ़ी लाउड है। बाकी यहाँ पर मैं इसके स्पीकर की क्वालिटी आप लोगों को सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए। प्रीपेड सेवाओं के लिए 1 दबाएं, पोस्टपेड सेवाओं के लिए 2 दबाएं। बाकी इस वॉच में आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, तो यहाँ पर मैं उसका भी सैंपल आप लोगों को सुना देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो स्पीकर मिलता है काफ़ी क्रिस्प मिलता है और काफ़ी लाउड है। बाकी रही बात नोटिफिकेशन की मैसेज की, तो मैसेज को पढ़ सकते हैं, रिप्लाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता है और काफ़ी अच्छी आपको लेंथ मिल जाती है। इसमें आपको हिंदी का सपोर्ट तो मिलता है बट उतनी अच्छे से विजिबल नहीं रहती है, तो हिंदी आप पढ़ नहीं पाएंगे इसमें। अब बात कर लेते हैं इस वॉच की कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको डफ इट एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है, और आप लोगों को पता है कि डफ इट काफ़ी स्टेबल और काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है और कनेक्टिविटी काफ़ी सही है इस वॉच की। बाकी एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहले पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आप जो एक्टिविटी करेंगे उसके रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। दूसरे पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आप वॉच को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन ऑन ऑफ कर सकते हैं, अलार्म यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, शटर हो गया, यहाँ से कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। अदर्स में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स मिल जाती है, जैसे कि स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो यहाँ पर आपको 30 सेकंड्स का टाइम मिल जाता है, जो कि सही है। बाकी यहाँ से वेदर वगैरह ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसमें आपको फीमेल साइकिल ट्रैकर का फीचर भी मिल जाता है, तो यहाँ से उसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और अपना गोल वगैरह सेट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन काफ़ी सही है और कनेक्टिविटी काफ़ी सही है इस वॉच की, कोई भी इशू नहीं है। बाकी अब बात करते हैं इस वॉच की यूआई की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी फ्लूइड, काफ़ी बटरी स्मूथ यूआई देखने को मिल जाता है और ज़रा भी लैग नहीं करता है। सबसे पहले ऊपर से स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर मिल जाता है, जहाँ से ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद सेटिंग में जा सकते हैं, उसके बाद यहाँ से मेन्यू स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। थिएटर मोड आपको मिल जाता है, डेंडी और फ्लैश लाइट का फीचर भी मिल जाता है, और यहाँ पर आपको वेदर भी शो हो जाता है। नीचे से स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। लेफ्ट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आप मेन्यू में चल जाएंगे, जहाँ पर आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं। और राइट साइड से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि स्टेप्स हो गया, उसके बाद स्लीप, हार्ट रेट, फोन, ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। डिस्प्ले पर टैप करके होल्ड करेंगे तो यहाँ से वॉच फेस को चेंज कर सकते हैं, और बटन को प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले ऑफ और ऑन कर सकते हैं। तो काफ़ी मस्त यूआई देखने को मिल जाता है, जो कि ज़रा भी लैग नहीं करता है। अब लास्ट में आ जाते हैं इस वॉच की बैटरी बैकअप पे, तो यहाँ पर आपको 220 mAh की बैटरी मिल जाती है, और इसका बैटरी बैकअप मुझे डिसेंट लगा। कॉलिंग फंक्शन के साथ यहाँ पर आपको 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल सकता है, बाकी अगर आप कॉलिंग फीचर को यूज़ नहीं करेंगे तो आपको 4 से 5 दिन का आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो कि अच्छा है कॉलिंग वॉच के हिसाब से। अब आते हैं वॉटर की, क्या इस वॉच को लेना चाहिए या नहीं। तो इसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी ये 2200 रुपये में मिलती है, कभी ये 3000 में हो जाती है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं इसका प्राइस। बाकी अगर ये आप लोगों को 2500 के अंदर मिलती है तो ठीक है वॉच, यहाँ पर आपको डिज़ाइन काफ़ी अच्छी मिल जाती है, लुक वाइज काफ़ी सही लगती है। और जिन लोगों की रिस्ट पतली है, ये वॉच खास करके उन लोगों के लिए होने वाली है, खास करके लेडीज़ के लिए काफ़ी सही वॉच है। बट यहाँ पर जो कुछ कमी है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं मिलती है, तो आउटडोर में डायरेक्ट सनलाइट में आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आपको ओनली 8 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, जो कि काफ़ी लोगों को कम लग सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिए, अगर आप लोगों को लेना है तो ले सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।